Everyone, welcome to our new channel the AGNI'S, and you are watching the video series of class 12th accounting. Students, hum log class 12th ki accounting shuru kar rahe hain. Iske kuch chapters karne ke baad main class 11th ki accounts bhi shuru karunga. Actually class 12th ka course bada hai aur usko pehle karna zaruri hai, aur yahan par hamara ek month bhi kharab ho chuka hai, to jald se jald humko course apna pick up karna hai taki hum time rehte is course ko complete kare aur aage question papers ki practice bhi kare. 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एग्ज़ाम्स में, और मुझे उम्मीद है इस बार बोर्ड में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. इस बार पढ़ाई ज़्यादा करनी है आपको, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं और आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है ताकि आप अपना करियर बना सकें और एक अच्छी लाइफ चुन सकें. ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसमें हम 12th क्लास की अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस साल उसके बारे में बात करेंगे. 11th का बेसिक्स क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 12th में कुछ चैप्टर्स 11th के भी आते हैं. मान लीजिए कि जर्नल एंट्रीज हैं, क्योंकि क्लास 12th में ज़्यादा जर्नल एंट्री हैं, तो उसका बेस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जर्नल एंट्री यहाँ पर क्यों यूज़ हो रही है. उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ी थी. और इस साल इसी चैप्टर से रिलेटेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, और बैलेंस शीट इस बार भी है, जो कि दो तरह की बैलेंस शीट इसमें हम पढ़ेंगे. एक तो नॉर्मल बैलेंस शीट है और एक कंपनीज बैलेंस शीट है. तो इसके बारे में आपको 11th का कोर्स बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, कम से कम जर्नल एंट्री और फाइनेंशियल अकाउंट्स अच्छी तरह आने चाहिए. जोश के साथ इस बार भी शुरू करते हैं क्लास 12th की अकाउंटिंग. उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाएंगे और अच्छी तरह हर क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि इस बार भी आप 90 और 100 स्कोर कर सकें. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ को ध्यान से सुनना और हर कंसेप्ट को समझना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, इस साल 3 बुक्स हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को रेडी रखिए डिटेल एनालिसिस करने के लिए. हर चीज़ का कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से चैप्टर कनेक्टेड है. एक चैप्टर समझेंगे, उसके बाद अगला ही लिंक सेकंड चैप्टर में आपको आधे से ज़्यादा सेकंड चैप्टर वैसे ही समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे 3 बुक्स आपको दी गई हैं. सबसे पहली बुक में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप के बारे में बताया हुआ है. स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हमने जो अकाउंट्स पढ़े थे वो टोटली सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बेस्ड थे. उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक सिंगल ओनर किस तरह से बिजनेस करता है और किस तरह से अपने अकाउंट्स बनाता है, और जो भी उसको फ़ायदा होता है वो बेसिकली उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. पर इस साल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्टनरशिप. तो बेसिकली पार्टनरशिप में सिर्फ एक आदमी ही नहीं होगा, सिर्फ एक ओनर नहीं होगा, उसमें 2 या 3 पार्टनर्स होंगे. तो हम देखेंगे किस तरह से प्रॉफिट को बांटा जाता है. और पार्ट 2 में हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, आपने कई बार शेयर के बारे में पढ़ा ही है. 11th क्लास में हम लोगों ने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है, उसमें देखा था कि किस तरह से कोई कंपनी फाइनेंस अपना इंतज़ाम करती है, कि पैसे जब उनको चाहिए होते हैं मार्केट से तो किस किस तरह से वो ले सकती है. लोगों को शेयर भी दे सकती है, डिबेंचर से भी ले सकती है, बैंक से लोन भी ले सकती है. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग शेयर्स के अकाउंट्स पढ़ेंगे और डिबेंचर्स के भी अकाउंट्स पढ़ेंगे. बुक पढ़ लेने के बाद हम लोग सारे अकाउंट्स बना चुके होते हैं, तो अब आती है 3rd बुक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उन अकाउंट्स से क्या रिजल्ट निकलता है, हम लोग क्या समझ पाते हैं, जिसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बात करते हैं पहली बुक के बारे में, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप. सो इसमें 2 तरह के चैप्टर्स आपको मिलेंगे बेसिकली. सबसे पहला चैप्टर जो है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के लिए हेल्प करना, सोशल वर्क करना होता है. अब इसमें कई एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. आज की डेट में भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुंचाती है मदद जिनको ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, आपने गूंज के बारे में सुना होगा. गूंज एक ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है जो डिज़ास्टर से पीड़ित होते हैं लोग, बेसिकली ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई आपदा आ जाती है या उनका घर या और कोई गरीबी होती है, तो उस केस में उन लोगों की मदद करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आगे आती है. अब इनको पैसे कमाने के लिए लोगों से मदद मांगने की ज़रूरत होती है, इनको मेंबर्स बनाने होते हैं और उनसे सब्सक्रिप्शन लेती है.
सब्सक्रिप्शन बेसिकली एक तरह का अमाउंट होता है जिसको हम चंदे की तरह बोल सकते हैं। ये चंदा अच्छे कामों के लिए यूज़ किया जाता है, लोगों की हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किस तरह के अकाउंट्स बनाते हैं और इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स किस तरह के होते हैं, पहले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर्स आते हैं, इसमें हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बेसिकली समझेंगे। तो स्टार्टिंग चैप्टर्स जो है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें ये समझाया जाएगा कि पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं और उनको कैसे कैसे रूल्स फॉलो करने होते हैं। उनको पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे पार्टनर्स अपने बारे में लिखते हैं, अपनी जानकारी लिखते हैं, और उस डीड के हिसाब से ही सारे पार्टनर्स प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। उसके अलावा कंपनी का गुडविल, गुडविल आपको बताइए है एक तरह की इनटेंजिबल एसेट होती है और ये बताती है कि कंपनी कितनी फेमस है लोगों के बीच में। तो इस चैप्टर में गुडविल के बारे में भी पढ़ा जाएगा। गुडविल में बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि कंपनी किस तरह से अपना गुडविल वैल्यू करती है, कि हमारा गुडविल है कितना मार्केट में, उसके हिसाब से वो अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कीमतों पर बेचती है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक आप समोसा ले लीजिए, एक नॉर्मल दुकान पे जो मिलता है वो बेसिकली 10 रुपये का होता है, पर अगर आप कोई हाई लेवल की दुकान या कोई स्टोर में आप समोसा खाते हैं तो आपको वही समोसा 40 या 50 रुपये का मिलता है। तो ये जो डिफरेंस होता है 50 और 10 रुपये के बीच में, जो 40 रुपये का डिफरेंस है, इसको गुडविल कहा जाता है। तो ये गुडविल का अमाउंट होता है जो लोग ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एक पार्टनरशिप में गुडविल का क्या हिस्सा होता है और पार्टनर्स गुडविल को किस किस तरह बांटते हैं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। तो अगर कोई कंपनी में पहले से 2 या 3 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर अगर कंपनी में आ जाता है तो उसको प्रॉफिट चाहिए ही होगा, वो थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर लेगा, और उसके बदले में उसको क्या क्या लाना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने काफ़ी मेहनत करके कंपनी खड़ी की है। तो नया पार्टनर सीधा आके प्रॉफिट में शेयर नहीं ले सकता, उसको कुछ ना कुछ अपना शेयर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको हिस्सेदारी मिलती है। उसके बाद आता है रिटायरमेंट एंड डेथ। तो जिस तरह से पार्टनर आता है उस तरह पार्टनर जाते भी हैं। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर 2 वजह से जा सकते हैं, चाहे तो वो रिटायरमेंट की वजह से जाएँ, कभी कभी एज हो जाती है या हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। अब उस रिटायरमेंट के चलते हर पार्टनर का कोई ना कोई प्रॉफिट शेयर होता है जो उसको चाहिए होता है। तो इसमें ये एनालाइज किया जाता है इस चैप्टर में कि उस पार्टनर का कितना प्रॉफिट है जो कि उसको मिलना चाहिए। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका कोई एग्जीक्यूटर होता है, मींस उसके अलावा किसी को पैसे मिलने बहुत ज़रूरी हैं, पैसे पहुँचाने ज़रूरी हैं। तो इसमें हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट भी खोलेंगे डेथ के केस में। उसके बाद हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस की वजह से पार्टनरशिप ख़त्म कर दी जाती है, पार्टनरशिप आगे नहीं चल सकती। तो उस केस में किस तरह से सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दोबारा से रीवैल्यू किया जाता है। अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप आज ख़त्म होनी है, पर हम लोगों ने किसी भी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू 1 साल पहले निकाली थी कि उसको मार्केट में अगर बेचा जाएगा, क्योंकि अब सामान मार्केट में बेचना पड़ेगा तभी हम लोगों को पैसा मिलेगा और उस पैसे को हम लोग बांटेंगे। तो 1 साल पहले की कीमत आज हम तय नहीं कर सकते हैं और उसके हिसाब से आज प्रॉफिट हम नहीं बांट सकते। तो ये सारी एसेट और लायबिलिटीज़ दोबारा से वैल्यू की जाती हैं, जिसको हम कहते हैं रीवैल्यू करना। उसके हिसाब से वैल्यू करने के बाद अलग अलग पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दी जाती है। तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक में बेसिकली 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। इन दोनों चैप्टर्स में आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है, काफ़ी कंसेप्ट एक जैसे दिखेंगे, तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर आपको आधे से ज़्यादा समझ आ ही जाएगा। सेकेंड बुक है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। स्टूडेंट्स देखिए, इस वाली बुक में हम लोग ऐसी कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि लोगों से पैसा लेके अपना काम आगे बढ़ाती हैं। उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो या तो शेयर से या डिबेंचर से अपना फाइनेंस लाती है कंपनी में। इसके बारे में इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स रखती हैं, उनके बारे में अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो ये वाला चैप्टर आपको उसमें हेल्प करेगा। पहले चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किस तरह से लोगों से मंगवाई जाती है और इसमें क्या क्या कानून होते हैं,
लॉ किस तरह से इसमें रिस्ट्रिक्शंस डालता है, रुकावटें डालता है, और कितना अमाउंट आप लोगों से मंगवा सकते हैं। लोगों से अमाउंट मंगवाने के लिए आपको एक बार में अमाउंट नहीं मंगवाना होता है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट मेथड होते हैं। दो तरीके हैं, एक बार में भी आप मंगवा सकते हैं, पर ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जाता है ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो पैसा देना। अब कभी कभी कुछ इंस्टॉलमेंट्स लोग नहीं दे पाते हैं, शेयर होल्डर्स शुरुआत में पैसे तो दे देते हैं पर एक या दो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में उनको कॉन्टैक्ट करने के बाद, उनको नोटिस भेज देने के बाद उनका शेयर फोरफीट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, जो कि एक कंपनी का प्रॉफिट बन जाता है और वो प्रॉफिट कंपनी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। उसके अलावा जो शेयर्स अब फोरफीट कर चुकी है, जो शेयर्स जब्त हो चुके हैं, उसको दोबारा से इशू कर दिया जाता है किसी और शेयर होल्डर को जो पैसे दे सकता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपको बताया गया है। उसके बाद आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए स्टूडेंट्स, शेयर्स और डिबेंचर्स के अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का फ़र्क है। शेयर्स आपको बताइए कि ओनरशिप राइट देता है, शेयर्स के बदले कोई भी जो एक शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। डिबेंचर्स का मतलब है कि किसी एक पर्सन से पैसे ले लेना और उसके पैसे समय पर वापस लौटा देना, उसमें हम लोग उसको ओनर नहीं बनाते कंपनी का, बल्कि वो एक क्रेडिटर की तरह होता है जिसको समय पर इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस दे दिया जाता है। पर दोनों की अकाउंटिंग काफ़ी मिलती है, जो कि हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। डिबेंचर्स का आधा चैप्टर लगभग शेयर करते करते हम लोग सीख चुके होंगे। उसके बाद आता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट्स, रिडेम्पशन में हम लोग ये देखेंगे कि जब डिबेंचर्स के पैसे वापस देने का समय आता है तो क्या क्या करना होता है। बेसिकली डिबेंचर्स एक साल या दो साल, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के जो स्कीम्स हैं उसके हिसाब से। तो एक साल बाद या दो साल बाद जब भी टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, उसके बाद डिबेंचर्स का पैसा डिबेंचर होल्डर को लौटाना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी उनको देना होता है। अब डिबेंचर होल्डर्स को किस तरह से पेमेंट की जाती है, हमारी जो कंपनीज एक्ट है वो ये बोलती है कि डिबेंचर्स इशू करने वाले जो कंपनीज हैं उनके पास DRR होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसका मतलब है कि कंपनी पहले से ही एक रिजर्व, एक गुल्लक बना लेगी जिसमें वो डिबेंचर्स जितने भी उसको वापस देने हैं लोगों को, उतना पैसा उसको रखना होगा, क्योंकि लोगों के पैसे वापस देना बहुत ज़रूरी है। कंपनी भले ही लॉस में हो पर लोगों के पैसे जितने समय में पहुंचाने हैं उतने समय में पहुंचाने ज़रूरी है। फ्रेंड्स, DRR के अलावा DRI भी एक कंपनी को रखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इसके हिसाब से जो कंपनी पैसा लेती है, जो डिबेंचर इशू कर रही है, उसको डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लौटाना तो होगा ही। तो इस श्योरिटी को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं। इसके हिसाब से जितना पैसा लौटाना है कंपनी को, उसका कुछ परसेंट कंपनी किसी और कंपनी में या किसी और बैंक में इन्वेस्ट करके रखेगी, क्योंकि वो पैसा कंपनी अपने यूज़ के लिए नहीं खर्च कर सकती है, और डिबेंचर होल्डर के पैसे लौटाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट तुड़वाएगी, उसके बाद उसमें से पैसे लौटाएगी। तो इस तरह से कंपनी उस पैसे को यूज़ भी कर सकती है और उस पैसे को सेफ भी रख सकती है, ताकि डिबेंचर होल्डर्स के पैसे नुकसान में ना चले जाएं। तो यहाँ पर DRR और DRI का कंसेप्ट हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 से 25 मार्क्स की हर एग्ज़ाम में आती है। बेसिकली 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो शेयर कैपिटल में से ही आ जाता है। अब आती है थर्ड बुक। थर्ड बुक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहली दो बुक्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली थर्ड बुक में आपको जितने भी अकाउंट्स आपने अभी तक बना लिए हैं साल के ख़त्म होने के बाद, उसको एनालाइज करना, उसको पढ़ना और ये समझना कि इस अकाउंट से हमने क्या देखा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हम लोगों ने कितना लोन लिया है, कितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं, इसके बारे में अच्छी तरह एनालाइज कर लेना और समझ लेना। तो बेसिकली इसमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स डील करेंगे बैलेंस शीट के साथ, जो कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट होती है। कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ नई चीज़ें आती हैं जो कि नॉर्मल बैलेंस शीट से अलग तरह से बनाई जाती है। अकाउंटिंग रेशोज़, देखिए रेशोज़ भी एक तरह से एनालाइज करने का ही तरीका है। रेशोज़ किसी भी बिजनेस में इसलिए ज़रूरी होती है कि हमको ये पता लग जाता है कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की रेशो कितनी है, हमारे डेट और हमारी एसेट्स की रेशो कितनी है, या हमारे डेट या प्रोपराइटर की कैपिटल की रेशो कितनी है। तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी का असली में स्टेटस किस तरह का है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कंपनी को कितना लॉस हुआ है,
कंपनी कितना उधार चुकाने में सक्षम है या कंपनी को और शेयर होल्डर्स उधार देंगे आगे या नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें रेशो से पता लग सकती है। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी इतने सारे अकाउंट्स बना लेने के बाद कंपनी को एक अलग से स्टेटमेंट बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि कैश सबसे ज़्यादा फ्लो होने वाला एक एसेट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है जिसमें हम लोग बेसिकली जितना भी कैश आया है कंपनी में और जितना भी कैश गया है कंपनी से, तो उसके बारे में हम लोग बेसिकली बात करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें तीन तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जिसमें ऑपरेशन में जो भी खर्चा होता है या जितना पैसा आता है, तो मान लीजिए कि करंट एसेट ऑपरेशन होता है, कोई भी सामान जब हम लोगों ने बनाया है तो उसको स्टार्ट करना हमने कब शुरू किया और कब वो पूरा बन के रेडी हो चुका है, तो ये आता है पूरा ऑपरेशन। तो इसमें जितना भी खर्चा होता है, जितना पैसा आया या गया, उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग आपको बताइए, एसेट्स खरीद ली हम लोगों ने या फिक्स्ड एसेट खरीद ली या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया या हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट को बेचा या हमने इन्वेस्टमेंट की हुई तो उसको भी कम कर दिया, तो इसलिए हम सारी इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट मतलब होता है किसी कंपनी में पैसा लगाना, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारी एसेट होती है। तो किसी एसेट पे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा कराया हुआ है तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिला एक साल में, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। उसके अलावा आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग बेसिकली कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो किस तरह से वो पैसा लोगों से लेती है। अब पैसा लेने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, आपको बताइए, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, क्रेडिटर्स, तो हर तरह के तरीके हैं जिससे हम पैसा ले सकते हैं। तो कंपनीज को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से उनको पैसा लेना है और कितना पैसा उन्होंने लिया है और कितना उनके ऊपर इंटरेस्ट बन गया है और कितना उन्होंने वापस दिया है, तो ये हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली उधार लेने वाली एक्टिविटीज़ होती है। तो ये तीन एक्टिविटीज़ में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका, आपको बहुत सिंपल तरीके में समझाया जाएगा और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी तीन बुक्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह इसके बारे में बात करेंगे। पूरे जोश के साथ क्लास 12th की पढ़ाई शुरू करनी है और बहुत ही जल्दी इसका कोर्स खत्म कर लेना है ताकि हम लोग पेपर्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और अपने मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश करें। तो टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।